सुनसान स्थानों पर राहगीरों को कट्टा दिखाकर लूट करने वाले तीन बदमाशों को बड़वा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे एक देसी पिस्टल सहित 2500 रुपए जब्त किए हैं। खरगोन एएसपी ने लूट का पर्दाफाश किया है। एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि 15 नवंबर को रात्रि करीब 12:30 बजे फरियादी सुनील काटकोट रोड पर अग्रवाल फैक्ट्री के पास मोड़ पर पिकअप खराब हो जाने पर हेडलाइट चालू करके खड़ा था। उसी समय तीन व्यक्ति पल्सर बाइक से आए और सीने पर देसी कट्टा अड़ाकर थप्पड़ मारे और 3000 रुपए और साथी कुंवर सिंह से 5000 रुपए, कल्लू से 4500 रुपए नगद और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड छीनकर बाइक से तीनों बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी कृष्णा राठौड़ ग्राम सोरठी, मुलेश रावत राजेंद्र बलाई तीनों ग्राम बारूल बलवाड़ा को गिरफ्तार किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बड़वा पुलिस द्वारा एक सुनील डावर करके फरियादी की शिकायत पर लूट की घटना में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उनसे जब विस्तृत पूछताछ की तो तीसरे आरोपी की भी जानकारी मिली है। इसमें तीन आरोपी हैं, एक कृष्णा राठौड़ है, एक राजेंद्र राधेश्याम है, एक मुलेश रावत है। ये तीनों आरोपी काटकूट क्षेत्र के सोटी बारूल और खमकी बारूल के निवासी हैं और इनसे पुलिस ने इनके द्वारा लूट की वारदातों में उपयोग किया गया देशी कट्टा पिस्टल रूपी है वो भी जब्त किया है, कुछ रुपए जब्त किए और फरियादी के आधार कार्ड आदि जब्त किए हैं और इनका रिमांड लिया गया है और इनसे और अन्य लूट और चोरी की वारदातें निकलने की संभावना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।